अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की वीडियो आप लोगों के लिए एक हाईली इन्फॉर्मेटिव और हाईली प्रॉफिटेबल वीडियो होने जा रही है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं एक मरतबा फिर सेल फार्मा को डिस्कस करने जा रहा हूँ। सेल फार्मा तेज़ी से ग्रो करने वाली एक कंपनी है और हमेशा से मैंने आपको रिकमेंड किया है सेल को। जब बिल्कुल बॉटम पर आ गया था ये शेयर, 35 का इसने लो बनाया था, उस वक्त मैंने आपको एडवाइस किया था कि ये बेहतरीन टाइम है इसको एक्युमुलेट करने का और अब यहाँ से ये ऊपर जाएगा। फिर आप देखें कि ये जब मार्केट ने रैली ली तो उस वक्त 67 तक गया ये स्टॉक, 35 से ऑलमोस्ट डबल हुआ और थोड़ी बहुत करेक्शन आई है मार्केट में, तो अब ये स्टॉक जो है वो 51 रुपीज़ के लेवल पर ट्रेड हो रहा है अभी। जब मैंने आपको रिकमेंड किया था तो उस वक्त इसने बार बार मौका दिया है आपको अच्छा प्रॉफिट अर्न करने का, क्योंकि अभी लास्ट मैंने जब आपको एडवाइस किया था तो उस वक्त ये 57-58 पर मैंने कहा था इसमें प्रॉफिट टेकिंग करें और आपको दोबारा मौका देगा, आप इसको बाय करें। तो अब ये दोबारा मौका दे रहा है बाय करने का, तो आज की वीडियो में मैं आपको इसकी स्ट्रेटजी बताऊंगा कि आपने किस लेवल पर बाय करना है और कहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग करनी है, और जो लोग इसमें फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं या जिन लोगों के पास है उनको क्या स्ट्रेटजी अपनानी है और किस तरह से ये स्टॉक जो है वो आपको बहुत फ़ायदा दे सकता है। ये सारी चीज़ें मैं आज की वीडियो में आपके साथ डिटेल में डिस्कस करने जा रहा हूँ। व्यूअर्स, वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने जा रही है आप लोगों के लिए। मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी करंट प्राइस की। सन फार्मा इस वक्त 51 रुपीज़ पर यह ट्रेड हो रहा है और एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो लोग इसको फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं और ऐसे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जो बोनस देने वाली कंपनी हो। तो सर हर साल बाकायदगी से बोनस शेयर देती है और शॉर्ट टर्म में भी बहुत अच्छा गेन इसमें मौजूद है। आप देखें कि अभी ये 51 के लेवल से कुछ ही दिन में ये 56-57 पे दोबारा आके खड़ा हो जाएगा 57 से, और फिर ये दोबारा से इसमें प्रॉफिट टेकिंग आएगी तो दोबारा इसी लेवल पर आपको मिलेगा। तो अभी ये बार बार आपको बाइंग और सेलिंग का मौका दे रहा है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कब आपने बाय करना है और कब आपने सेल करना है। और मैं आपको हमेशा टाइमली एडवाइस करता हूं जब स्टॉक जो है वो अपनी बाइंग पोजीशन पर होता है, तो मैं आपको एडवाइस करता हूं ताकि आप लोग स्टॉक मार्केट से शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकें। तो शॉर्ट टर्म में सर में 6-7 रुपये का गेन मिल जाएगा आपको विद इन अ वीक, और लॉन्ग टर्म की अगर बात करूँ तो लॉन्ग टर्म में तो सर में इतना पोटेंशियल है कि ये 100 का लेवल क्रॉस कर लेगा, क्योंकि मार्केट में अगर एक अच्छी मूव बन जाती है इलेक्शन के बाद तो सेल फार्मा मार्केट के ट्रेंड को तेज़ी से फॉलो करने वाला शेयर है और मार्केट के साथ ये बहुत तेज़ी से ऊपर जाता है। और आप देखें कि ये 35 से ऑलमोस्ट 70 तक आ गया था जब मार्केट ने एक अच्छी मूव बनाई थी अभी, तो आने वाले दिनों में बहुत अच्छी मूव एक्सपेक्टेड है मार्केट में। अगर मार्केट 70,000 से अबव लेवल पे आ जाती है तो स्टॉक जो की प्राइस जो है वो ऑलमोस्ट डबल हो सकती है। और सेल फार्मा इस वक्त तेज़ी से अपने बिज़नेस को एक्सपेंड कर रही है पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में, और पाकिस्तान में ये तीसरे नंबर पे है फार्मास्यूटिकल की रैंकिंग में। तो हमेशा से मैंने आपको रिकमेंड किया है सेल को और तेज़ी से ऊपर जाने वाला शेयर है ये। वॉल्यूम्स भी बहुत अच्छे लगते हैं इसमें और अभी स्विंग ट्रेडिंग के लिए बेहतरीन है सेल। आप इसमें शॉर्ट टर्म भी प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं और अभी मौका है इसको इस लेवल पे बाय कर लें ताकि आप लोग कुछ ही दिन में अच्छा प्रॉफिट कमा के इसको सेल करके दोबारा बाय कर लें, तो दोबारा आपको बाइंग करने का मौका मिलेगा इसमें। और इलेक्शन के बाद आप इसको होल्ड रख सकते हैं और इसमें बहुत अच्छी मूव आएगी। इस वक्त जो सेल की इंट्रेंसिक वैल्यू है वो अराउंड 120 और 150 के दरमियान है और अभी इस वक्त सेल अपनी इंट्रेंसिक वैल्यू से बहुत ही कम कीमत में मिल रहा है। तो जो शेयर अपनी इंट्रेंसिक वैल्यू से कम कीमत में होता है तो फ्यूचर में अपनी इंट्रेंसिक वैल्यू पे ज़रूर आता है। तो ये स्टॉक मार्केट का एक रूल है, इसको हमेशा याद रखें आप लोग। और मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों को मैं अच्छे से अच्छे स्टॉक्स के बारे में टाइमली बताऊं ताकि आप लोग स्टॉक मार्केट से ज़्यादा पैसा कमाएँ और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैंने सेल को एक बार फिर आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए एक वैल्यू एडिशन साबित हुई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।